दोस्तों, हमारे घर में ढेर सारी चूड़ियाँ होती हैं जो कि खराब हो जाती हैं या जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप चूड़ियों की मदद से इस दिवाली अपने घर को डेकोरेट करके अपना ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए, इसके लिए ले लिया है मैंने एक फॉयल पेपर रोल। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए आप किसी भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये थोड़े से टेप के रोल पड़े थे, मैंने कहा चलिए इसका ही यूज़ कर लेते हैं। चलिए, मेरे पास अलग अलग कलर की टेप थी तो मैंने एक एक कट टेप को लेकर उसको सीध में इस तरीके से चिपका दिया है, तीनों कलर को अलग अलग। अब मुझे फिर भी थोड़ा सा डेकोरेशन कम लग रहा था तो मैंने क्या किया, इसको बीच में से कट करके इसको राउंड में भी चिपका दिया, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा था। आप चाहे तो इसको किसी भी रूप में, किसी भी शेप में लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है अपने घर पर रखी हुई कोई भी चूड़ी, जो भी आपके पास बेकार पड़ी हो उस चूड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी ग्लू गन की मदद से चूड़ी को इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। यह है, अब मैंने क्या किया है, चूड़ी को अपनी दीवार के ऊपर इस तरीके से चिपका कर हैंग कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों, कई बार कई लोगों के घर पे स्पेस नहीं होता कि वो अपने घर को फ्लावर पॉट से सजा सके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से चूड़ी की मदद से ही फ्लावर पॉट बनाकर उसको दीवार पर हैंग करके अपने घर को बहुत ही आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। अगली टिप के लिए मैंने ले ली है फिर से कुछ बेकार चूड़ियाँ। उसके बाद क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से गत्ते का कोई भी पीस कट करके। अब हम क्या करेंगे, इस गत्ते के पीस के ऊपर हम पहले इस तरीके से ग्लू की मदद से एक चूड़ी को चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों, ग्लू की मदद से मैंने एक चूड़ी यहाँ चिपका ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चूड़ियों को ग्लू की मदद से इसके साइड में चिपका देंगे। इस तरीके से आपने तीनों चूड़ियों को चिपका लेना है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चूड़ियाँ चिपकने में टाइम लेती हैं, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी चूड़ियाँ गिर जाएंगी। तो आपने इसको होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने ले ली है दो चूड़ियाँ। अब क्या करेंगे, हम ग्लू की मदद से इन दोनों चूड़ियों को भी आपस में चिपका देंगे। चलिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने अब पांचों चूड़ियों को आपस में चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने घर पे लेंगे हम इस तरीके से दिए, और दिए को हम क्या करेंगे, एक एक कैंडल के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। चलिए दोस्तों, ये देखिए मैंने बनाकर अपना तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप चूड़ियों की मदद से इस दिवाली अपने घर को आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कैंडल स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, जिसको कि हम मार्केट से महंगे दामों पर खरीदते हैं और जिसको हमने अपने घर पे रखी बेकार चूड़ियों से बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दिए को लेके। दोस्तों, जब भी हम दिए के अंदर बाती जलाते हैं तो आपने देखा है कि बाती जल जल कर ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे ये हमारे तेल के अंदर डूब जाती है और हमारा दिया बुझ जाता है, जिसके कारण हमें इसको फिर से नई बाती लगाकर जलाना पड़ता है। तो आपकी बाती तेल के अंदर ना डूबे, बिल्कुल खड़ी रहे और आपका दिया पूरी रात जलता रहे, उसके लिए आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए ले ली है मैंने एक चूड़ी। अब हम क्या करेंगे, चूड़ी को बीच में से कट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अब कट करके बैंगल को इस तरीके से मोड़ दिया है। अब हमें जो भी बाती जलानी है उसको हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और अपने दिए में इस तरीके से हम अपनी बाती को कैंडल के अंदर फंसा कर रख देंगे। इसके बाद आप अपनी बाती जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बाती बिल्कुल भी तेल के अंदर डूबी नहीं रहेगी, इसी तरीके से खड़ी रहेगी और आपका दिया पूरी रात जलता रहेगा, जिससे कि आपको बार बार कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी टाइम भी खराब नहीं होगा। इस तरीके से आप अपनी पुरानी चूड़ी की मदद से अपने ढेरों दिए जलाकर अपनी दिवाली को जगमगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।